और दिल्ली के शराब घोटाले मामले में अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर छापेमारी की। आज सुबह पहली बार ईडी का एक्शन सामने आया है। दिल्ली के अलावा कई दूसरे राज्यों में शराब नीति को लेकर छापेमारी की जा रही है। दिल्ली सरकार की ये नीति पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है और इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि ईडी ये छापेमारी कर रही है। दिल्ली के जोरबाग में शराब कारोबारी के घर पर ईडी की एक टीम मौजूद है, जबकि घर के एक सदस्य को लेकर ईडी की टीम कहीं निकली है। वहीं आम आदमी पार्टी के किसी नेता के घर अब तक छापेमारी नहीं हुई है। जहां तक मनीष सिसोदिया की बात है, वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अपने घर से निकले हैं। कल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया और मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगाए। तो 6 शहरों के 30 ठिकानों पर ये छापेमारी। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें कुछ नहीं निकला। अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। श्रेया हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। श्रेया, अलग अलग जगहों पर देखिए छापेमारी चल रही है, कितनी संभावना दिख रही है कि मनीष सिसोदिया के आवास पर भी छापेमारी हो सकती है या उनके और करीबी किन्हीं के घर पर अभी छापेमारी चल रही है क्या? देखिए, कुल 35 ऐसे लोकेशंस हैं मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद और गुरुग्राम में जहां पे अभी ईडी की छापेमारी चल रही है। वैसे ही एक जगह पे अभी हम मौजूद हैं, 207 जोरबाग, जो समीर महेंद्रू जो इंडो स्पिरिट्स के ओनर हैं, उनके घर पे ईडी की एक टीम 7 बजे से लगातार छापेमारी कर रही है। ये जो ईडी का एक्शन है ये सीबीआई की एफआईआर के ऊपर है, तो जायज है जो सारे 16 लोग बुक थे सीबीआई एफआईआर में उनके खिलाफ ईडी भी जांच करेंगे। फिलहाल जो चल रही है और जो छापेमारी हो रही है वो शराब व्यापारियों की जो ओनर्स है उनके घरों पे हो रही है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेशन में सरकार को मदद की थी, ऐसी बात भी ईडी को जान में आई है। तो इन कुल घरों में अभी छापेमारी चल रही है। हालांकि पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो पब्लिक सर्वेंट्स है जैसे कि मनीष सिसोदिया एवं जो फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर थे एक्साइज पॉलिसी के, उनके घर में भी छापेमारी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो 35 लोकेशन है वो शराब व्यापारी जो है उनसे जुड़े हुए लोकेशन है, और ऐसे ही ठीक एक लोकेशन पे अभी हम मौजूद है, 207 जोरबाग। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप।